हेलो। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का। आपका क्या नाम है चैप्टर का? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या मतलब है चैप्टर का? आप बताओगे जरा मुझे, वीडियो पॉज करो और बताओ मुझे जरा क्या मीनिंग है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का। मतलब चलिए कुछ बात करें, इन प्लांट्स यानी प्लांट्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ये प्लांट्स से रिलेटेड बातें कर रहा है, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, अब क्या बातें कर रहा है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इतना तो मुझे समझ में आएगा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी प्लांट्स में कुछ ना कुछ होगा, प्लांट्स से रिलेटेड कुछ बातें हैं। अब क्या होगा क्या नहीं ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। इस चैप्टर का मीनिंग क्या है? तो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब होता है बनना, प्रोडक्शन मतलब होता है कोई भी चीज़ बनना, कोई भी चीज़ बनना, प्रोड्यूस होना, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होना, बर्थ भी कह सकते हो, बॉर्न होना, बॉर्न होना। प्रोड्यूस मतलब एक और क्या होता है, बॉर्न होना। यहाँ पर है बॉर्न होने से, यहाँ पर मतलब क्या, बॉर्न होने से। रिप्रोड्यूस मतलब बार बार बॉर्न होना, बार बार बॉर्न होना। री मतलब अगेन एंड अगेन, री मतलब अगेन एंड अगेन, इसका मतलब क्या होता है, अगेन एंड अगेन, है ना, अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो बार बार बॉर्न होना यानी कि प्लांट्स कैसे बॉर्न होते हैं। यहाँ पे बात करें प्लांट्स कैसे बॉर्न होते हैं, चैप्टर का टाइटल है प्लांट्सों के बॉर्न होने के बारे में आपको बताना है। ठीक है, जिसमें से इसके दो टॉपिक हैं, इसमें से एक टॉपिक आई थिंक आपको कट ही चुका है क्योंकि आपने ये कट किया हुआ है, और उसके बाद का आपने ज़्यादा 14 के बाद आपने सीधा मुझे 21 पार्ट सेंड पेज सेंड किया, यानी कि 20 का आपने सेंड नहीं किया, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो कट चुका है आपका, इसलिए मुझे आपने सेंड नहीं किया। ठीक है, तो दो चीज़ें बेसिकली हमें इसके अंदर पढ़नी थी। दो तरीके थे प्लांट्स के बर्न होने के, ठीक, एक ये वाला तरीका और एक ये वाला तरीका। ठीक है, अब क्योंकि आपका ये वाला तरीका हट चुका है तो मैं इस वाले तरीके के बारे में बात नहीं करूंगा, फिर मैं सीधे इसके बारे में बातें करूंगा। ठीक है, तो पहले तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग समझते। तो रिप्रोडक्शन का सिंपल से मीनिंग मैंने क्या था, तो बॉर्न होना, बॉर्न होना, बॉर्न करना, तो लिखा हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम, ऑल लिविंग। सर ये केवल प्लांट्स की बात कर रहा है, अभी तो सभी की बातें कर रहा है, अभी तो सभी की बात कर रहा है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे वो मेरिन लाइफ्स हो, कोई भी चीज़ तो लिविंग है, कोई भी चीज़ तो लिविंग है, उनके बारे में बता बात कर रहा है। तो ये कह रहा है ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। इंडिविजुअल्स मतलब कि एक एक इंसान, एक एक काइंड, एक एक चीज, एक एक चीज, वो एक एक बॉर्न करते हैं, प्रोड्यूस मतलब बॉर्न करते हैं, बॉर्न करते हैं। और किसको बॉर्न करते हैं, ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे ही किसी ना किसी को बॉर्न करते हैं। सर एनिमल होगा तो एनिमल को करेगा, ह्यूमन होगा तो ह्यूमन बींग को बॉर्न करेगा, प्लांट होगा तो प्लांट से प्लांट बॉर्न होगा। तो वो कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड, वो एक एक करके कुछ चीज़ों को जन्म देते हैं जो कि उनके जैसे ही होते हैं, ऑफ देयर ओन काइंड, अपने उनके जैसे ही होते हैं। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर स्पीसीज, फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर स्पीसीज, ताकि जो उनकी जो स्पीसी है वो बची रहे, ताकि जो उनकी स्पीसीज है वो बची रहे। अगर ह्यूमन बींग्स बच्चों को बॉर्न ना करें तो सर एक टाइम आएगा जहाँ पे सारे ह्यूमन बींग्स हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और पूरे अर्थ पर एक भी ह्यूमन बींग नहीं बचेगा, एक भी इंसान नहीं बचेगा, ताकि उनकी स्पीसीज खत्म ना हो, तो इसलिए ये काम होता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जब ये काम बार बार होता है तो हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग आपको समझ आ गया। रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रोड्यूस करना, यंग बन, छोटे छोटे बच्चे प्रोड्यूस करना, ऑफ देयर सेम काइंड, ऑफ सेम काइंड, ऑफ दिस सेम काइंड। तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग बार बार मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हर जगह पे फिर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा डिफाइन करना। तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग यहाँ पर समझ लो, रिप्रोडक्शन मतलब क्या, प्रोड्यूस करना। दो तरीके होते हैं, ठीक है, दो तरीके होते हैं रिप्रोड्यूस करने के। ठीक है, मतलब तरीके होते हैं वो दो पार्ट्स में ग्रुप किया गया है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो सर ये वाला तो टॉपिक आपने कटवा ही दिया है, मैंने तो नहीं कटवाया, आपके टीचर ने कटवाया, तो किस बारे में पढ़ेंगे? हाँ डेफिनेशन तो पढ़ ही लेंगे, डेफिनेशन तो पढ़ ही लेंगे, बाकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, डेफिनेशन तो पढ़ ही लेंगे। तो क्या लिखा है, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट
सर इस प्रोडक्शन के अंदर केवल वन पेरेंट, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड देर इज नो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसको क्या बोलेंगे आप, चाहे गैमेट्स बोल चाहे और कुछ बोलो, ठीक है गैमेट्स बोलते हैं इनको शॉर्ट में गैमेट्स। वो कह रहा है सर इस वाली प्रोसेस के अंदर, इस वाली प्रोसेस के अंदर दो लोगों को नहीं मिलना होता, दो लोगों को नहीं, दो लोगों का फ्यूजन, फ्यूजन मतलब होता है कंबाइन होना, फ्यूजन मतलब होता है मिलना, फ्यूजन मतलब कंबाइन होना। तो दो लोगों का कंबाइन होना जरूरी नहीं है, इसके अंदर ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व होता है ठीक है। बट ऑन द अदर साइड, बट ऑन द अदर साइड इन दिस प्रोसेस, इन दिस रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स, डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे क्योंकि आपका ये टॉपिक नहीं कट रहा डिसेंड, तो यहाँ पे वन पेरेंट है यहाँ पे टू पेरेंट है, ध्यान रखना है। इन दिस प्रोसेस, इन दिस रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, सर इसके अंदर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पर फॉर्मेशन बोलो फ्यूजन बोलो गैमेट्स का वो होता है, फॉर्मेशन बोलो फ्यूजन बोलो गैमेट्स का वो होता है। सर कैसे होता है क्या होता है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ी सी बात आपको पढ़ा रहा है जो कि रेलिवेंट है, पढ़ लेते हैं जरा, ठीक है पढ़ते हैं जरा इसको। दो सेकंड रुकना, रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी, चल तो रही है। दो सेकंड रुकना बेटा जरा, आप जरा कंटेंट पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है नीचे, मैं समझाता हूँ उनको। पढ़ते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट यू सी अराउंड बियर फ्लावर्स, वो कह रहा है जितने भी आप जनरली प्लांट्स देखोगे तो मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम क्या होंगे, मोस्टली जो प्लांट्स होंगे वो कैसे प्लांट्स होंगे जो क्या कहते हैं फ्लावर्स बियर करते हैं, फ्लावर्स बियर करते हैं, फ्लावर्स बियर करने का मतलब है जिनके पास फ्लावर्स होते हैं, जिनके पास फ्लावर्स होते हैं यानी हर मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनके पास उनमें फ्लावर्स तो होते होते हैं ठीक है। और ये जो फ्लावर्स होते हैं दीज फ्लावर्स आर बॉर्न ऑन शूट्स, ये जो फ्लावर्स होते हैं ये बॉर्न होते हैं, कहाँ बॉर्न होते हैं, ये बॉर्न होते हैं ऑन शूट्स, शूट्स क्या होता है एक पार्ट होता है प्लांट्स का जो उस पर शूट्स होते हैं, शूट उस पर बॉर्न होते हैं एंड सर्व एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। और यही है जो कैसा काम करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम करते हैं यानी यही वो ऑर्गन है, वही पार्ट है प्लांट्स के अंदर का जो बॉर्न करते हैं, यानी फ्लावर्स ही क्या होते हैं, इन फ्लावर्स से नए नए प्लांट्स बॉर्न होते हैं, इन फ्लावर्स में से नए नए प्लांट्स के होते हैं बॉर्न होते हैं यानी ये, और जो ये काम करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जो पार्ट दूसरे प्लांट दूसरे वो क्या कहते हैं
प्लांट्स को बॉर्न करने में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर्स आपका क्या होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। फ्लावर्स में से ही नए प्लांट क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं क्या कह रहे हैं, ये जो फ्लावर्स फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के पास दो चीज़ होती हैं, इनके पास दो चीज़ें होती हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। इनके पास मेल और फीमेल सेल्स होते हैं, ठीक है, विच ऑन सीजन, जो कि अगर इनको मिला दो आप तो नए सीड्स बन जाते हैं, नए सीड्स बॉर्न हो जाते हैं, नए सीड्स बन बॉर्न हो जाते हैं। और जब इन सीड्स को जर्मिनेट किया जाता है, जब इन सीड्स को जर्मिनेट किया जाता है तो ये बड़े होकर नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये नए प्लांट्स बन जाते हैं। द फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, कितनी बार बताएंगे की बात को। तो वो कह रहे हैं टू अंडरस्टैंड हाउ अ फ्लावर हेल्प्स इन द प्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शन प्लांट्स। अगर आपको समझना कि कैसे हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, तो आपको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, आपको एक स्टडी करनी पड़ेगी। लेट अस स्टडी अ टिपिकल फ्लावर, लेट अस स्टडी अ टिपिकल फ्लावर। ठीक है, पढ़ते हैं जरा क्या लिखा हुआ है, कहा गया एग्जाम इन अ फुल्ली ओपन फ्लावर। एक फुल्ली ओपन फ्लावर लो और उसको एग्जामिन करो एंड नोट इट्स डिफरेंट पार्ट्स, और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी जरा पढ़ो, इनके उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी जरा पढ़ो, ठीक है, नोट करो जरा उनके बारे में भी। और एक डायग्राम 2.0 दिखाया गया है जिसके अंदर जनरल रिप्रेजेंटेशन है फ्लोरल पार्ट्स के, यानी फ्लावर्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं जनरली, है ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में जो कॉमन पार्ट्स होते हैं उनके बारे में उन्होंने ये दिखाया गया है। सब दिखाने का क्या है, ये रहा, इसके अंदर क्या होता है, एंथर होता है, फिलामेंट होता है। इन दोनों को हम मिला लें तो दोनों को हम ग्रुपली क्या बोल सकते हैं, स्टामेन बोल सकते हैं, ठीक है। पत्ते होते हैं उसको हम पेटल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको सीड्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे सीड, इनको बोलते हैं ऑब्यूल्स। ये स्टॉक होता है एक, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। एक थैलेमस होता है, एक सेपल होता है, सेपल मतलब क्या, आउटर पार्ट जो होता है इसका, हरे वाले हिस्से का। ओवरी, ये सीड्स के बाहर का जो एरिया इसको ओवरी बोलते हैं। ऊपर ये जो फ्लावर्स फ्लोरल पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। दोनों को कंबाइनली हम कार्पेल बोलते हैं। अब ये जो किनारी है इसकी, ये वाली जो किनारी, इसको स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। क्या तो ये पार्ट्स में पढ़ना है। अब सबसे पहले स्टार्ट करें तो स्टॉक की बात करें, किसका क्या स्टॉक, सेल स्टॉक है क्या यहाँ पर, क्या था जिसको पेडिसल भी बोलते हैं, इसको पेडिसल भी बोलते हैं, स्टॉक में नीचे वाला पार्ट, इसका मैंने बात करा। वो कह रहा है फ्लावर अटैच्ड टू द शूट, प्लांट है किससे अटैच होता है, शूट से, शूट यानी रूट की तरफ का जो पार्ट होता है ना, बाय मीन्स ऑफ स्टॉक और पेडिसल। किसकी वजह से, किसके थ्रू वो जुड़ा होता है, तब जिसके थ्रू जुड़ा होता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक या फिर पेडिसल बोलते हैं, ठीक है। द टिप ऑफ द स्टॉक इज एनलार्ज्ड एंड स्लाइटली फ्लैटेंड, जो टिप होती है स्टॉक की, टिप मतलब ऊपर का हिस्सा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और स्लाइटली फ्लैटेंड होता है। देखेंगे ना ऊपर का हिस्सा, हाँ, से स्टॉक के ऊपर का हिस्सा वो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, फ्लैट होता जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम वेयर द पेटल्स एंड अदर पार्ट्स अराइज, जहाँ से अदर पेटल्स या फिर पार्ट्स अराइज होते हैं, ठीक है, यहाँ से पेटल्स वगैरह अराइज हो रहे हैं, ठीक है, और अदर पार्ट्स अराइज हो रहे हैं, ठीक है, दिख दे रहा है। दिस फ्लैटेड पार्ट ऑफ द स्टॉक इज कॉल्ड थैलेमस, और ये जो फ्लैट वाला जो पार्ट होता है ना, जो फ्लैट वाला जो पार्ट होता है जहाँ से अराइज होते हैं, इस फ्लैट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर तो कुछ कहने तो इस पार्ट पे आ गया। अब वो कह रहा था फोर वॉल्स ऑफ द फ्लावर आर, प्लांट्स के चार फोर वॉल्स के बारे में बता रहा है आपको। सर क्या वो वॉल्स यहाँ पर दिखेंगे, यहाँ पर नहीं दिखेंगे आप इस पिक्चर में। वो कह रहा है वॉल्स क्या है, पहले कैलिक्स, कैलिक्स मतलब क्या, कैलिक्स मतलब क्या, दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। फॉर्मिंग अ वॉल ऑफ टाइनी ग्रीन लीफ, सर जिससे क्या बनता है, जिससे क्या बनता है, जिससे क्या बनता है, टाइनी टाइनी छोटी सी ग्रीन लीफ बनती है, ग्रीन लीफ में एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बनता है, लीफ नहीं बोलते, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं,
एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। इन द बर्ड कंडीशन, इन द बर्ड कंडीशन दे एनक्लोज द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी प्रोटेक्शन। इन बर्ड कंडीशन मतलब क्या, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, आपको पता है बटरफ्लाई कैसे ग्रो होती है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई कैसे बॉर्न होती है। तो बटरफ्लाई के सबसे छोटे फॉर्म होते हैं बर्ड होती है, क्या होते हैं बर्ड। अब बर्ड मतलब क्या होता है, वो बहुत वीक होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए घर चाहिए होता है। तो जो सेपल होते हैं, सेपल ही सेपल अपने आप को फोल्ड कर लेती है, अपने आप को क्या कर लेती है, फोल्ड कर लेती है, एनक्लोज कर लेती है, क्लोज कर लेती है अपने आप को चारों तरफ से, है ना। और फ्लावर को अपने अंदर वाले अंदर फ्लावर्स को अपने अंदर कर लेती है, फ्लावर्स को अपने अंदर कर लेती है, जिससे क्या होता है, प्लांट्स को क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, प्लांट्स को क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन ऐसा वो कब करते हैं, बर्ड कंडीशन, अगर उनके अंदर बर्ड हो रहा है तभी, अगर उनके अंदर कोई बर्ड कंडीशन है तभी वो ऐसा काम करते हैं। सेपल्स का एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे नीचे थोड़ा क्लियर दे रहा है। तो सेपल्स क्या है, सेपल्स वो ग्रीन आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं फ्लावर के, सेपल्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं फ्लावर के, जैसे जो कैसे होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। सेकंड कोरोला, सेकंड कोरोला गोरिल्ला नहीं, गोरिल्ला नहीं कोरोला। ये क्या होता है, मेड अप ऑफ पेटल्स, ये कैसे बने होते हैं, ये पेटल्स से बने हुए होते हैं। इट फॉर्म द सेकंड इनर वॉल अरेंज्ड नेक्स्ट टू द सेपल। सर ये सेकंड वॉल बनाते हैं, सेकंड वॉल बनाते हैं जो कि क्या होता है, बिल्कुल नेक्स्ट होता है सेपल्स के, यानी सेपल्स के नेक्स्ट में होता है, सेपल्स के पास में होता है। यूजुअली पेटल्स आर वाइट और कलर्ड, तो जनरल यूजुअली जो पेटल्स होते हैं या तो वो वाइट होंगे या तो वो कलर्ड होंगे, बट रेयरली ग्रीन। अच्छा सर, पेटल्स बहुत बहुत कम से होंगे ग्रीन होंगे। अच्छा ठीक है, द पेटल्स मेक द फ्लावर अट्रैक्टिव, जो पेटल्स होते हैं क्या बता रहे हैं, वो क्वालिटी बता रहे हैं बेसिकली, पेटल्स की वजह से फ्लावर के साथ अट्रैक्टिव हो जाते हैं। फिर पेटल्स क्या होते हैं, पेटल्स आर लार्ज फ्रेग्रेंट, खुशबू से आती है, इसमें से अच्छी स्मेल आती है। पेटल्स आर लार्ज फ्रेग्रेंट एंड ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एंड्रियोसियम, एंड्रियोसियम दो चीज़ें पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था फ्लावर्स के दो, फ्लावर्स के ना दो पार, दो सेल्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, तो वही दो हैं, एक ये मेल आ गया ठीक है, और एक आगे आपको कहाँ गया, एक ये फीमेल पार्ट आ गया ठीक है। इसका नाम एंड्रोसियम, उसका नाम क्या है, जाइनोसियम। इट इज अ नेक्स्ट बॉल, सर ये नेक्स्ट बॉल है, इनर टू द पेटल्स, पेटल्स के अंदर होता है, पेटल्स के अंदर होता है, कंसिस्टिंग ऑफ डेलिकेट, जो किससे बना होता है, डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो बहुत कोमल बहुत सॉफ्ट धागे जैसे स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैमेंट्स बोलते हैं, स्टैमेंट बोलते हैं, जैसे ये रहा है, कितने पतले पतले हैं ये, ऐसे स्ट्रक्चर से बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैमेंट बोलते हैं, है ना। ईच स्टैमेंट इज फॉर्म्ड ऑफ लॉन्ग नैरो थिन फिलामेंट एंड अ ब्रॉड सैक लाइक ब्लॉब्ड एंथर। वो कह रहे हैं जो स्टैमेंट्स होते हैं दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, या तो फिलामेंट का एंथर से, और बाकी बड़े मीनिंग को ध्यान देना है ना, इतने जरूरी है। स्टैमेंट किन चीज़ों से मिलकर होते हैं, फिलामेंट और एंथर से, देखो दिखाई दे रहा है ये फिलामेंट है ये वाला एरिया और ये एंथर है, इन दोनों को कंबाइन, तो ये हम बोलते हैं स्टैमेंट, तो वही लिखा हुआ है ठीक है। फाउंड एट इट्स टिप, जो कि हमें फिलामेंट के टिप पर मिलता है, ईच एंथर कंटेन्स फोर पोलन सेक्स, तो हर एंथर के पास चार क्या होते हैं, पोलन सेक्स होते हैं, या पोलन सेक्स मतलब क्या, यहाँ पे कुछ डॉट्स से होते हैं, उनको डॉट्स से होते हैं, फिर सीड जैसा बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, दाने दाने होते हैं, उनको बोलते हैं पोलन सेक्स। तो ये हर किसी के पास चार चार होते हैं, किसके पास क्या होते हैं, चार चार होते हैं, चार चार होते हैं ठीक है। हर किसी के फोर पोलन सेक्स होते हैं, इन विच द पोलन ग्लैंड्स डेवलप, जिसके अंदर वो डेवलप होते हैं, जिसके अंदर पोलन ग्लैंड्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। द पोलन ग्लैंड्स कंटेन द मेल गैमेट, और जो पोलन ग्लैंड्स होते हैं, पोलन ये क्या करते हैं, ये संभाल के रखते हैं अपने पास किसको, मेल गैमेट्स को, मेल गैमेट्स को ठीक है। स्टैमेन क्या है, स्टैमेन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, उन्होंने क्लियर डिफाइन कर दिया कि स्टैमेन क्या है, अगर शॉर्ट में बोले तो एक ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। जाइनोसियम इट कंसिस्ट ऑफ कार्पेल्स, ये किससे बना होता है, कार्पेल्स से, तो कार्पेल्स कहाँ है, कार्पेल्स के साइड में, जो दूसरी से मिलकर होता है स्टिग्मा से और ओवरी से। द फोर्थ इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पिस्टल, इसको हम और भी क्या नाम देते हैं, पिस्टल नाम भी देते हैं। इस कार्पेल इज फॉर्म्ड ऑफ थ्री पार्ट्स, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है,
swollen of the at the base, a narrow thread-like style in the middle, and the terminal expanded stigma. यानी तीन चीजों से मिलकर बना होता है. ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल. इसमें तो भूल गया स्टाइल है ना, इन तीनों से मिलकर बना होता है. कार्पेल्स आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर्स. ठीक है. अब अगर ओवल्स वगैरह का जनरली पार्ट जो हो गया, जब वोल्स की बात करता हूँ, जनरली पार्ट्स के बारे में बात करते हैं. ऑब्वियस दीज आर स्मॉल राउंडेड बॉडीज. सर स्मॉल राउंडेड बॉडीज हैं, देख लो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में. स्मॉल राउंडेड बॉडीज हैं इनसाइड दी, है ना, इनसाइड द ओवरी. सो ओवरी कहाँ है? ओवरी ये रहा, इस पूरे को ओवरी बोलेंगे. सो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं. ईच ओव्यूल कंटेन्स एन एग. वो कह रहे हैं हर ओव्यूल के अंदर एक एग होता है. हर ओव्यूल के अंदर एक सेल होता है, सॉरी एक एग सेल होता है. जिसे लेटर डेवलप्स इनटू अ सीड, जो कि बाद में क्या बन जाता है, सीड बन जाता है आफ्टर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन. यानी अगर उसमें अच्छे से फर्टिलाइजेशन हुआ हो तो वो क्या बन जाता है, तो वो एक सीड बन जाता है. फ्लावर्स बेयरिंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स. फ्लावर्स बेयरिंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स. सर ऐसे फ्लावर्स जिनके पास दोनों ही पार्ट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही होते हैं, तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, बाईसेक्सुअल प्लांट फ्लावर्स. बाय का मतलब आई थिंक मैंने आपको बताया हुआ, जब कभी बाय का मतलब दो होता है, बाय का मतलब होता है टू, तो इसके अंदर दोनों ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाईसेक्सुअल फ्लावर्स, है ना. ओनली मेल बेयरिंग ओनली मेल और फीमेल, यानी किसी के पास ओनली वन है, मेल और फीमेल डजंट मैटर. चाहे एक, अच्छा एक हो बस, एक हो, चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़की का हो, चाहे मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, उसको बोलेंगे यूनी. यूनी मतलब होता है सिंगल, उसको हम क्या बोलते हैं यूनी. यूनी मतलब सिंगल, बाय का दो, तो यहाँ पे यूनी का सिंगल. ठीक है, तो ध्यान रखना ये नाम वगैरह. फंक्शन ऑफ फ्लावर. फ्लावर का फंक्शन क्या होता है, फ्लावर्स के फंक्शंस क्या होते हैं. इट इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट. ठीक है, इतना तो समझ में आता है. अ फ्लावर कंटेन्स द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट. ये समझ में आता है सर. प्लांट फ्लावर के दो चीजें होती है, एक मेल पार्ट होता है एक फीमेल पार्ट होता है, अभी भी हमने पढ़ा भी था. ठीक है. द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल पार्ट. सर मेल पार्ट्स के अंदर सर एक वो होता है, क्या कहते हैं, एंथेम. एंथेम के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं. तो ये उनकी बात कर रहा है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं मेल पार्ट हैं, उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं टू द फीमेल पार्ट. तब वो कहाँ पर चला जाता है, फीमेल पार्ट के पास चला जाता है. और जैसे भी उसके फ्यूज होते हैं, यानी कंबाइन होते हैं, तो एक नया सीड बन जाता है, सर ये ट्रांसफर कैसे होते हैं, ट्रांसफर होने के काफी तरीके हैं. तो बाय एयर, बाय इंसेक्ट टू इंसेक्ट कैरी करके ले गया, या फिर बाय वाटर. ठीक है, हम कैसे भी कर सकते हैं. और ये जो ट्रांसफर होता है ना, ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स का एक एंथर से दूसरे स्टिग्मा में, ये सर ट्रांसफर, इस ट्रांसफर वाली प्रोसेस को हम पता है क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन. इस ट्रांसफर वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं. ये लिखा हुआ है नीचे, यही लिखा हुआ है नीचे. पॉलिनेशन इज द प्रोसेस. पॉलिनेशन का एक प्रोसेस है इन विच द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, जो कि सर क्या होता है, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक चला जाता है, ऑफ द सेम स्पीसीज, है ना. और वो फ्लावर्स होने चाहिए, वो सेम स्पीसीज होनी चाहिए. ठीक है, तभी. अब वगैरह पॉलिनेशन के दो टाइप होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है. तो ये दोनों ध्यान रखने की जरूरत है, दोनों डेफिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन इज वन दैट अकर. सेल्फ पॉलिनेशन वो है जो होता है, कब होता है, या तो विद इन द सेम फ्लावर्स, या तो एक ही फ्लावर्स के अंदर हो, एक ही फ्लावर्स के अंदर हो. सर एक ही फ्लावर्स के अंदर मतलब पॉलिनेशन मतलब कहता है प्लांट का एक पार्ट से दूसरी तरफ चले जाना. तो सेम प्लांट के अंदर ही सर ऐसा हो सकता है कि सर सेम प्लांट के अंदर ही मेल पार्ट के कुछ पॉलिन जैसे फीमेल पार्ट में चले जाए. हाँ, हो सकता है. कब हो सकता है, अगर हमारे प्लांट कैसे हैं, बाईसेक्सुअल प्लांट्स हैं, बाईसेक्सुअल प्लांट्स हैं अगर हमारे, अगर हमारे प्लांट बाईसेक्सुअल हैं जिनके वो दोनों ही ऑर्गन्स हैं, तो उस केस में पॉसिबल है. तो लिख लो यहाँ पे आप, ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ बाईसेक्सुअल प्लांट. क्योंकि वो कह रहा है कि पॉलिनेशन का मतलब कह रहा है मेल पार्ट से कुछ ऑर्गन्स का फीमेल पार्ट्स की तरफ ट्रांसफर हो जाना. तो सर एक प्लांट में दोनों तो होते ही नहीं है, और अगर जहाँ पर होते हैं उनको हम बाईसेक्सुअल प्लांट्स बोल देते हैं, क्या पॉसिबल है, बाईसेक्सुअल प्लांट्स के केस में पॉसिबल है. और सर हो सकता है अगर एक प्लांट्स पर दोनों ऑर्गन्स ना हो, केवल एक एक ही हो, यूनिसेक्सुअल हो, तो हाँ, तो फिर वो क्या करेंगे, बिटवीन टू फ्लावर्स, तो दो प्लांट्स के बीच में होगा, एक फ्लावर के ऑर्गन्स किसी दूसरे फ्लावर में चले जाएंगे. और ये जो केस है, ये कब पॉसिबल है, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के केस में. ठीक है. फिर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स मे फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, या तो वो उसी फ्लावर पर जा सकते हैं, या फिर वो किसी अनदर फ्लावर्स में जाएंगे. ठीक है, जैसे कि दिखा रहा है, एक
अपने प्राण से दूसरे प्राण में चला गया, या फिर हो सकता है अपने प्राण से दूसरे प्राण में चला जाए। ठीक है, दूसरा क्रॉस पोलिनेशन, दूसरा क्रॉस पोलिनेशन भी ऑस्किल हो जाए। क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस का मतलब क्या था? क्रॉस, क्रॉस कैसे क्रॉस होता सर? ऐसा सर, ये वाली चीज यहाँ पर, ये वाली चीज यहाँ पर, सर साइड से इधर से उधर चली जाए। हाँ, तो क्रॉस पोलिनेशन अकर्स बिटवीन टू प्लांट्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स। टू फ्लावर्स हैं तो दो फ्लावर्स हैं लेकिन अलग अलग पेड़ पर, अलग अलग प्लांट्स पर। जैसे ये वाला जो है, ये वाला सर, ये प्लांट ए वन है, ये प्लांट टू है, तो सर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाना है, इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सर एक ही पेड़ से, एक ही प्लांट में, एक ही फूल से दूसरे फूल पर जा रहा है, इसको बोलेंगे सेल्फ। अपने प्लांट्स के पास जा रहा है, अपने ही, तो उसको बोलेंगे सेल्फ, सेल्फ ना खुद के पास जा रहा है। सर ये दूसरे के पास जा रहा है, दूसरे के पास, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। और मैंने ये ऊपर आपको बताया था कि सर ये जो जाते हैं ना प्लांट्स, ये तीन तरीके से जा सकते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ जाते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जाते हैं, तीन तरीके से जा सकते हैं, या तो बाय एयर, या फिर बाय विंड, या फिर बाय इंसेक्ट। तो इन तीनों को हम पता है क्या बोलते हैं? एजेंट्स बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पढ़ते हैं जरा, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है? एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ हेडिंग दीजिए। तो वो कह रहा है पहला एजेंट कौन है? इंसेक्ट। दूसरा इंसेक्ट, दूसरा एजेंट कौन है आपका? विंड। तीसरा एजेंट है आपका वाटर। ठीक है, पढ़ते हैं करके। फॉर क्रॉस पॉलिनेशन टू टेक प्लेस एन एजेंट हैज टू बी अवेलेबल। वो कह रहा है अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो एजेंट होना जरूरी है। दीज एजेंट्स कैन बी इंसेक्ट्स, विंड और वाटर, कोई भी हो सकता है। तो पहले इंसेक्ट का कह रहा है, बता रहा है कि इंसेक्ट कैसे आपकी हेल्प करते हैं, इंसेक्ट कैसे आपकी हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। तो कह रहा है व्हेन इंसेक्ट हेल्प इन पॉलिनेशन सच अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो पहले तो डेफिनेशन बता रहे, वो कह रहे हैं अगर इंसेक्ट की वजह से पॉलिनेशन हुआ है, अगर इंसेक्ट की वजह से पॉलिनेशन हुआ है, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम सिंपल पॉलिनेशन नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे? इंसेक्ट पॉलिनेशन बोलेंगे। सर ऐसा कब कब होता है? बटरफ्लाईज, बीज एंड अदर इंसेक्ट्स विजिट। सर अब बता रहा है बेसिकली, अब इम्पोर्टेंट चीज आ रही है। बटरफ्लाईज, बीज, अदर इंसेक्ट्स विजिट, विजिट मतलब घूमने आते हैं फ्लावर्स पर फॉर नेक्टर, अपने हनी के लिए। ठीक है, व्हेन एन इंसेक्ट अलाइट्स ऑन अ फ्लावर, जब वो बैठते हैं सर किसी फ्लावर के ऊपर, द पोलर पोलन ग्रेन्स स्टिक टू इट्स माउथ पर, तो उनके जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो उनके माउथ पर चिपक जाते हैं, उनके माउथ पर चिपक जाते हैं, उनके पंख पर है ना, विंग्स पर उनके चिपक जाते हैं, उनके लेग्स पर चिपक जाते हैं, हर जगह पर चिपक जाते हैं। और फिर जब वैन द इंसेक्ट बिट अनदर फ्लावर, जब फिर इंसेक्ट एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाते हैं, तो सर वहाँ पर ये गिरा देते हैं, वहाँ पर ये क्या कर देते हैं? मे फॉल ऑफ, फिर उनको गिरा देते हैं, तो हो गया ना ट्रांसफर। सब वहाँ के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पर पहुँच गए। हाँ, तो इसी तरह से हेल्प करते हैं, इस तरह से हेल्प करते हैं ऑन द स्टिग्मा ऑफ दैट फ्लावर। ठीक है, मैरीगोल्ड समझ लो, डालरा, डहलिया समझ लो, एंड सेल्वी समझ लो, और सम ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटर फ्लावर। तो कुछ आपको एग्जांपल्स के नाम बताते हैं, इनको हाईलाइट कर लेना, याद कर लेना एग्जांपल्स को। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज, फीचर्स, आइडेंटिफिकेशन बताओ जरा इसकी, इंसेक्ट पॉलिनेशन के। तो वो कहते दीज फ्लावर्स आर लार्ज विद कलर्ड पेटल्स, लार्ज विद कलर्ड पेटल्स, से बड़े होते हैं, इनके कलर्ड पेटल्स होते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, ताकि इंसेक्ट को क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। दीज आर सेंटेड टू सेंटेड सो दैट इंसेक्ट्स लोकेट देयर फ्लावर बाय स्मेल। इन प्लांट्स में सर स्मेल आ रही होती है, अच्छी 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 स्मेल आ रही होती है, ताकि प्लांट, ताकि इंसेक्ट जो है ना, इंसेक्ट इनको लोकेट कर सके, इनको लोकेट कर सके, इनको लोकेट कर सके, लोकेट मतलब इनके एड्रेस से जान सके, इनके पास आ सके। दीज कंटेन नेक्टर, इनके पास क्या होते हैं? नेक्टर होते हैं, हनी, जिसको खाने के लिए इंसेक्ट इनके पास आए आते हैं। दीज प्रोड्यूस स्टिकी पोलन ग्रेन्स, सर ये क्या करते हैं? चिपकने वाले पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो चिपक जाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी बाद में पढ़ेंगे, है ना। सर्टेन एनिमल्स लाइक बर्ड्स, इंसेक्ट और इंसेक्ट कुछ बर्ड्स भी होते हैं, कुछ एनिमल्स भी होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। ठीक है, ये तो हो गया इंसेक्ट का। तो इंसेक्ट का सुनना है सब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर उठते बैठते हैं,
तो एक प्लांट से वो ग्रीन्स ले जाते हैं, दूसरे प्लांट पर वो ग्रीन्स छोड़ देते हैं, इस तरह से वो हेल्प करते हैं ठीक है ट्रांसफर करने में। अब विंड कैसे करती है, विंड को पढ़ो जरा। वैन विंड इज द एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जब विंड काम कर रही होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, विंड पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये बता रहा है, फिर एग्जाम्पल दे रहा है, सम प्लांट्स लाइक मेज पाम पाइन एक्सेट्रा प्रोड्यूस विद पॉलन ग्रेन्स इन लार्ज क्वान्टिटी। एंड कुछ प्लांट्स रहते हैं मेज जैसे हुए, पाम जैसे हुए, पाइन जैसे हुए, ये क्या करते हैं, बहुत सूखे सूखे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं वो लार्ज क्वान्टिटी में, लार्ज क्वान्टिटी में ठीक है। वैन दीज प्लांट्स मैच्योर, जब ये फर्स्ट बड़े होते हैं, मैच्योर मतलब होता है बड़े होना, मैच्योर मीन्स बड़े होना ठीक है। तो जब ये लोग बड़े होते हैं द पोलन ग्रेन्स गेट ब्लोन अप बाय द विंड, जब ये बड़े होते हैं तो पोलन ग्रेन्स क्या होता है, वो हवा से उड़ने लगते हैं, हवा से उड़ने लगते हैं, और हवा से उड़ने लगते हैं तो दिस पोलन ग्रेन्स में फॉलोड फॉल इन ऑन सॉर्ट्स ऑफ प्लेसेस, तो चलिए अलग अलग जगह पर गिरते हैं उड़ के, सर वो अलग अलग जगह पर जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं तो कुछ तो दूसरी जगह पर गिर जाएंगे, दूसरे प्लांट पर गिर जाएंगे, कुछ क्या होगा, वेस्ट हो जाएंगे, कुछ क्या होंगे, बैठ जाएंगे है ना। तो अगर बट इफ दे हैपन टू फॉल ऑन अ स्टिग्मा, अगर वो हवा की वजह से अगर किसी स्टिग्मा पर गिर गए, स्टिग्मा पर गिर गए, किसी स्टार के स्टिग्मा पर गिर गए, तो इस वजह से क्या, इस वजह से क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। कौन सा पॉलिनेशन होगा, विंड पॉलिनेशन होगा। विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये काफ़ी छोटे होते हैं और डल कलर के होते हैं, दे जनरली हैव लॉन्ग एंथर्स, इनके एंथर्स काफ़ी बड़े होते हैं है ना। प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ फ्लावर, प्रोट्रूडिंग मतलब क्या, बाहर आना, बाहर आते हैं फ्लावर से, सो देट द पोलन ग्रेन्स में गेट ब्लोन ऑफ इजली, ताकि प्लांट्स क्या हो जाए, ताकि वो पोलन ग्रेन्स जो है ना इजिली क्या हो जाए, उड़ जाए। दे प्रोड्यूस लार्ज क्वान्टिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स, हाँ जी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। द पोलन ग्रेन्स आर लाइट सो दैट दे आर इजिली कैरिड अवे, और जो पोलन ग्रेन्स काफ़ी ईजी होते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं, तो हवा भी इनको बहुत ईजिली क्या कर देती है, ब्लो कर देती है। थर्ड एजेंट है आपका, थर्ड एजेंट है आपका वाटर, थर्ड एजेंट है वाटर। रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। पॉलिनेशन वेयर वाटर एक्ट्स एज एन एजेंट, पॉलिनेशन वेयर वाटर एक्ट्स एज एन एजेंट इज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज नोन एज वाटर पॉलिनेशन, एंड जब वाटर हेल्प करते हैं उसको वाटर पॉलिनेशन बोलते हैं। कुछ नहीं नया नहीं था उसमें। वेलिस नदियाँ, वेलिस नदियाँ इज वन गुड एग्जाम्पल ऑफ अ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर ठीक है। दीज आर एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स पानी में ग्रो होते हैं ठीक है। हुज मेल फ्लावर्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर टू स्टार्ट विद, जिनमें जो मेल पार्ट, जो प्लांट्स का जो मेल फ्लावर होता है ना, जो मेल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, पानी के अंदर डूबा हुआ होता है, सबमर्ज मतलब पानी के साथ मिला हुआ होता है, पानी के साथ क्या होता है, मिला हुआ होता है ठीक है। एंड फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर और सॉरी है ना, गेट डिटेस्ट वेन मैच्योर, डिटेल्स में होता है अलग हो जाना, और वो अलग हो जाता है, कब अलग हो जाता है वो मेल पार्ट, जब वो बड़े होते हैं वैन मैच्योर, जब वो बड़े होते हैं तब वो क्या होते हैं, डिटेल्स हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग हो जाने के बाद क्या करते हैं, पानी के सरफेस पर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। देखो ये इतने सारे दिखाई दे रहे हैं आपको, सारे स्विमिंग कर रहे हैं। वैन दिस फ्लोटिंग मेल फ्लावर्स हैपन टू कम इन कॉन्टेक्ट विद फीमेल फ्लावर्स, और जब चलते 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 फीमेल फ्लावर्स के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो सर ये ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं और इस तरह से वाटर पॉलिनेशन हो जाता है। लोटस हुए, ट्रापा हुए है ना, और एक्वेटिक सर ट्रापा का तो ट्रापा हिंदी में बोलते हैं सिंगाड़ा ठीक है। तो ये क्या एक्वेटिक प्लांट्स हैं, बट देयर फ्लावर्स आर एक्सपोज टू एयर एंड आर पॉलिनेट टू इंसेक्ट, लेकिन ये हैं तो सर एक्वेटिक प्लांट्स, लेकिन इनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है ना वो वाटर पॉलिनेशन नहीं होता, वो कैसे होता है, बाय इंसेक्ट होता है, बाय इंसेक्ट होता है ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, फ्लावर्स काफ़ी स्मॉल होते हैं, काफ़ी लाइट होते हैं और इजिली इजिली वाटर फ्लोट कर पाते हैं। मेल एंड फीमेल प्लांट्स सारे सेपरेट सेपरेट बॉर्न होते हैं। पॉलर ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, हाँ तो वो क्वालिटी की तरह ही है, बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक है। आप ये तो नहीं करते हैं आज की वीडियो में, मैं कुछ होमवर्क दे दूँ आपको, आप पेज चैप्टर ही कंप्लीट नहीं भेजते हो।
अब बस इतना ही भेजा है आपने, मैं आपको उसमें से क्या होमवर्क दूँ पता नहीं, आया कुछ है या नहीं है। ऑलरेडी आपके आंसर लिखे हुए हैं, इनको याद कर लेना ठीक है, इनको याद कर लेना जो तो टीचर लिखवाए हैं, जो नहीं लिखवाए हैं समझ लेना वो सिलेबस में आपके हैं नहीं ठीक है। यही आपके कल की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा।